बहुत समय पहले की बात है, शिवगढ़ नाम के गांव में किशन और उसकी पत्नी सविता रहते थे। वो दोनों लोगों के खेतों में मजदूरी का काम करते थे और अपना पेट भरते थे। किशन और सविता ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी, तब से वो दोनों शिवगढ़ में आकर ही रहने लगे थे। इस साल बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण गाँव में सभी लोगों की फसल खराब हो चुकी थी, इसीलिए उनको खेती में कोई काम नहीं मिल रहा था। दोनों के पास जितनी जमा पूंजी थी अब वो भी खत्म हो चुकी थी। अब उनके पास पैसों की बहुत कमी थी। किशन अब शहर में जाकर लोगों से काम मांगता था और उसे जो भी काम मिलता वो काम कर लेता और अपनी पत्नी और अपने खुद के लिए खाने के लिए कुछ लाता था। एक दिन किशन को उसके दादाजी शंकर का फोन आता है और वो उन दोनों को अपने घर मधुपुर बुला लेते है। सविता और किशन बहुत ही खुश थे कि उन्हें अपने घर बुलाया गया है। वो दोनों खुशी खुशी मधुपुर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद शंकर किशन से, बेटा किशन कैसे हो तुम? तुम और सविता ठीक तो हो ना बेटा? मैंने तुम दोनों का रिश्ता अस्वीकार कर अच्छा नहीं किया बेटा, लेकिन अब बीती बातें भूल जाओ बेटा। और बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? दादाजी तुम्हें क्या बताऊं, हमारी हालत कुछ अच्छी नहीं है दादाजी। इस साल बहुत बारिश होने के कारण सारी फसलें खराब हो चुकी है, इस कारण हमें कहीं काम नहीं मिल रहा। मैं और सविता तो दो वक्त की रोटी भी पेट भर नहीं खा सकते। शंकर का भी अपने पोते किशन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था और अपने हालात बताते बताते किशन की आंखों में से आंसू आने लगते है। ये देख दादाजी। अरे बेटा ऐसे मायूस मत हो, अब से तुम दोनों यही पर मेरे साथ रहोगे। हमारी इतनी अच्छी खासी जमीन है, उसी में मेहनत करो। दादाजी की बातें सुनकर सविता और किशन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सविता दादाजी से, क्या सच में दादाजी आपने हम दोनों को माफ कर दिया है? बेटी मुझे अहंकार हो चुका था कि मैं एक गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू कैसे बनाऊं, लेकिन अब मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, इसलिए मैंने तुम दोनों को तुरंत यहाँ बुला लिया। मुझे विश्वास था तुम दोनों जरूर वापस आओगे। दादाजी हमें माफ कर दीजिए, आपने हमें घर से जाने के लिए कहा तो हम भी गुस्से में यहाँ से चले गए। हमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे अलावा आपका भी कोई और नहीं है और न ही हमारा आपके अलावा कोई है। हमें माफ कर दीजिए दादाजी। देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे अब कोई काम नहीं होता। मैं सोच रहा था हमारे स्ट्रॉबेरी के जो बगाने हैं उसमें हमें हर साल स्ट्रॉबेरी की बहुत सारी उपज होती है, लेकिन अब मुझसे बगाने की देखभाल नहीं होती। मुझे लगता है तुम दोनों मिलकर अब हमारी स्ट्रॉबेरी के बगाने की देखभाल करो। जी दादाजी, हम दोनों स्ट्रॉबेरी के बगान की अच्छे से देखभाल करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटे हमारे बगाना की स्ट्रॉबेरी बहुत ही मीठी और रसीली है, तुम स्ट्रॉबेरी बेचकर अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकते हो। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं, ये सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी ही है बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हें ही ये सब संभालना है। ठीक है दादाजी, आप जैसे कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। अच्छी बात है, चलो कल मैं तुम दोनों को अपने साथ स्ट्रॉबेरी के बगाने में ले चलूंगा। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर दादाजी किशन और सविता के साथ स्ट्रॉबेरी के बागान में चले जाते हैं। बागान देखकर किशन और सविता बहुत खुश हो जाते हैं। बागान में स्ट्रॉबेरी के पौधों को छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी, उसे देख सविता, अरे वाह कितनी सारी स्ट्रॉबेरी लगी है और कुछ तो लाल भी होने वाली है। दादाजी आज से ही मैं और सविता मिलकर बागान का काम शुरू कर देते हैं। अब वक्त आ चुका है कि बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे जो सिखाया है उसे असल में इस्तेमाल कर सकूं। किशन और सविता दोनों मिलकर अब दादाजी की देखरेख में बागान संभालने लगते हैं। अब कुछ ही दिनों में स्ट्रॉबेरी पककर तैयार हो जाती है। किशन और सविता अपने ही गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर स्ट्रॉबेरी के छोटी छोटी बॉक्स में पैकिंग करते हैं और किशन उन बॉक्स को शहर ले जाकर बेचने लगता है। स्ट्रॉबेरी किसी व्यापारी को ना बेचकर किशन खुद ही उन्हें शहर जाकर बेचता था तो उसे अच्छे पैसे भी मिलने लगे थे। अच्छा मुनाफा दे किशन मन ही मन, ये सब दादाजी की वजह से ही हो रहा है। आज मैं और सविता एक बेहतर जिंदगी बिता पा रहे हैं। अगर दादाजी ने हमें घर नहीं बुलाया होता तो हम कभी अपने बगान में काम नहीं कर पाते।
और न ही इतने पैसे कमा पाते। किशन अब अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। 6 महीने बीत जाने के बाद अब फिर से पौधों को स्ट्रॉबेरी लग चुकी थी। सविता और किशन स्ट्रॉबेरी के पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और स्ट्रॉबेरी तैयार होते ही स्ट्रॉबेरी के बॉक्स बनाकर शहर ले जाते थे। अब किशन के स्ट्रॉबेरी के चर्चे सभी जगह होने लगे थे। सब लोग किशन की ही स्ट्रॉबेरी लेना पसंद करते थे। लोग दूर दूर से स्ट्रॉबेरी लेने के लिए किशन के घर आने लगे थे। साथ ही किशन के कारण गांव के कई बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिला था। ये सब देखकर गांव के एक व्यापारी सुंदर को किशन से जलन होने लगती है, क्योंकि जब से किशन घर से बाहर गया था तब से दादाजी के बागान की सारी स्ट्रॉबेरी सुंदर ही बेचता था, और कभी कभी तो वो दादाजी को पूरे पैसे भी नहीं देता था। अब सुंदर मन ही मन, अरे यार ये किशन कहाँ से बीच में आ गया? स्ट्रॉबेरी बेचने का काम मेरा था, इस किशन की वजह से मेरा सब प्रॉफिट इस साल भी चला जाएगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। ये सब सोचकर सुंदर रात के समय अपने दो दोस्तों को लेकर किशन के स्ट्रॉबेरी के बागान में आता है और सारे स्ट्रॉबेरी के पौधों के ऊपर जहरीली दवाइयां डाल देता है और वहां से भाग निकलता है। दूसरे दिन सुबह किशन और सविता अपने बागान में आते है तो देखते है कि स्ट्रॉबेरी के सारे पौधे मुरझाकर मर चुके हैं। हे भगवान, ये सब क्या हुआ है? पौधे मुरझाकर स्ट्रॉबेरी काले क्यों पड़ चुकी है? कल शाम तक तो सब कुछ अच्छा था, अचानक से रात में ऐसा क्या हो गया कि ये सब खराब हो गए? किशन और सविता बहुत अफसोस करते हैं। उनकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि वो दोनों स्ट्रॉबेरी के बागान की अच्छी तरह से देखभाल कर ही नहीं पाए। दोनों रोते हुए घर जाने के लिए निकलते हैं। उन्हें उदास देख सुंदर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन, ले ले और बेच स्ट्रॉबेरी, अब तुम्हें समझ आएगा बेटा। अगर मुझे स्ट्रॉबेरी बेची होती तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो पैसे मिले होते। घर आने के बाद किशन और सविता सारी बातें दादाजी को बताते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम साथ जाकर स्ट्रॉबेरी का बगाना देख कर आते हैं। दादाजी उधर जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब पौधे खत्म हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन फिर भी मुझे देखना है, चलो हम अभी बगाने की ओर चलते हैं। दादाजी को लेकर किशन और सविता बागान में जाते हैं। पौधों को देख दादाजी, अरे यह तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। सब स्ट्रॉबेरी के पौधे खत्म हो चुके हैं और स्ट्रॉबेरी भी काली पड़ चुकी है। इस पर जरूर कुछ जहरीले औषधियों का छिड़काव किया गया है। लेकिन दादाजी हम तो बगान में कभी किसी औषधियों का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ लेकिन ये हुआ है बेटा, ये मेरा तजुर्बा कह रहा है, यहाँ जरूर किसी ने जहरीली औषधियाँ छिड़काई है। किशन और दादाजी दोनों बागान में घूम रहे थे, तभी किशन की नजर एक छोटे से स्ट्रॉबेरी के पौधे पर पड़ जाती है। वो पौधा बिल्कुल हरा था। उसे देख किशन, दादाजी यहाँ आइए, ये देखिए, ये पौधा तो अभी भी बिल्कुल हरा है और उसे छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी भी है, बिल्कुल जला नहीं है। मैं अभी पानी लाकर इसे डालता हूँ। किशन बेटे तुम एक काम करो, इस पौधे के साथ साथ सारे पौधों को भी पानी डालकर देखो, शायद कुछ बन पाए। सारे स्ट्रॉबेरी के पौधों को पानी डालकर अब तीनों घर चले जाते हैं। दूसरे दिन हमेशा की तरह सविता और किशन बागान को देखने के लिए आते हैं, तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि पूरे स्ट्रॉबेरी के पौधे अब फिर से हरे भरे हो चुके थे और पौधों को लाल लाल स्ट्रॉबेरी भी लग चुकी थी। ये देख सविता, अरे ये कैसा चमत्कार है, सारे पौधों को फिर से स्ट्रॉबेरी लगी है और वो भी पहले से कई ज्यादा लगी है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन परसों मैंने एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी का पौधा देखा था जो बिल्कुल हरा भरा था, कहीं वो कोई जादुई पौधा तो नहीं था? हाँ मुझे लगता है वो कोई जादुई पौधा होगा, तभी तो हमारे सारे पौधे हरे हो गए हैं और स्ट्रॉबेरी भी लाल हो चुकी है। किशन को सविता की सारी बातें सच लगने लगती है। अब किशन गाँव में जाकर मजदूर लेकर आता है और सारी स्ट्रॉबेरी तोड़ने लगता है, तभी एक आवाज आने लगती है, किशन किशन। किशन और सविता इधर उधर देखने लगते हैं,
क्योंकि ये आवाज सिर्फ उन दोनों को ही आ रही थी, तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं। और किशन, कौन बोल रहा है? घबराओ मत, मैं वही स्ट्रॉबेरी का पौधा हूँ जो तुमने कल देखा था। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा है और कई गांव के बेरोजगार लोगों को तुमने रोजगार दिलवाया है, अच्छी राह पर लाया है। तभी तो तुम्हारे सारे स्ट्रॉबेरी के पौधे तुम्हें वापस मिल गए हैं। तुम जब जब स्ट्रॉबेरी तोड़ोगे तो इन पौधों को वापस उतनी ही स्ट्रॉबेरी आ जाएगी। लेकिन अगर किसी ने फिर से इस पर जहरीली औषधियों का इस्तेमाल किया तो क्या होगा? तुम चिंता मत करो, अब ये नामुमकिन है, क्योंकि जो भी हमें नष्ट करने आएगा वो इस बगान के बाहर ही नहीं जा पाएगा, यही घूमता रह जाएगा। किशन जादुई स्ट्रॉबेरी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सारी स्ट्रॉबेरी बॉक्स में भरवाने का काम शुरू करता है और शहर में लेकर चला जाता है। ये सब देखकर सुंदर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुंदर बड़े ही अचरज में पड़ जाता है। अब वो अगली रात फिर से अकेले बागान में आ जाता है। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है भला? पौधे फिर से हरे कैसे हो गए? मैंने तो इन पर जहरीली औषधियों का इस्तेमाल किया था, एक पौधा भी बचना मुमकिन नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि कि इसकी आगे की फसल भी अच्छी नहीं आनी चाहिए थी। ऐसा कहकर सुंदर फिर से पौधों के ऊपर जहरीली दवाइयाँ डालने लगता है। दवाइयाँ डालकर सुंदर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो वहाँ से निकल ही नहीं पाता, वो वहीं पर घूमते रह जाता है। जब किशन अपने सारे स्ट्रॉबेरी बेचकर दूसरे दिन सुबह घर लौट रहा था तो देखता है कि सुंदर उसके बागान में घूम घूम कर नीचे गिर गया है। अब किशन को सारी बात समझ में आ जाती है, उसकी फसल बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि सुंदर ही है। किशन सुंदर के पास जाता है, तभी सुंदर को होश आ जाता है और होश आते ही सुंदर, किशन तुम्हारे बगान में ऐसा क्या है भाई कि मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ? मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारे बगान को खराब कर दिया था। अब मैं कभी तुम्हारे स्ट्रॉबेरी के बगान की ओर नहीं देखूंगा, मुझे माफ कर दो। किशन से माफी मांगने के बाद ही सुंदर बागान से बाहर निकल पाता है। सुंदर डर के मारे भागते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर किशन खुश होकर घर जाता है और हंस हंस कर सारी बातें दादाजी को और सविता को बताता है। सहारनपुर नाम के गांव में विकास अपनी पत्नी शोभा के साथ रहता था। वो बहुत ही ज्यादा धनवान था। उसे रतन नाम का एक बेटा था। उनके घर के पास ही एक राधा नाम की औरत अपने पोते चिराग के साथ रहती थी। चिराग के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे, इसीलिए चिराग अपनी दादी के साथ ही रहता था। राधा लोगों के घर के काम करती थी। गरीब होने के बावजूद राधा ने चिराग को अच्छे स्कूल में डाला था। चिराग और रतन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। उन दोनों की उम्र भी एक ही थी, इसी कारण वो दोनों एक साथ ही खेलते थे। लेकिन दोनों बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, ये विकास को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन विकास रतन से, बेटा तुम्हें खेलने के लिए अपना घर खिलौनों से भरा हुआ है, तुम यहाँ आराम से खेल सकते हो, तो फिर तुम उस चिराग के साथ क्यों खेलते हो? पिताजी आप तो जानते हो, चिराग मेरा अच्छा दोस्त है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी दादी लोगों के यहाँ घर काम करती है तो तुम उसके साथ क्यों खेलते हो? उसने तुम्हारे कीमती खिलौनों से खेलने के लिए और चुराने के लिए तुमसे दोस्ती की है। तुम्हारा उसके साथ खेलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अगर दोबारा तुम्हें उसके साथ खेलते हुए देखा तो याद रखना, तुम्हारी खैर नहीं। रतन रोते हुए अपनी माँ शोभा के पास चला जाता है। तभी शोभा रतन से, अरे बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? पापा तुम्हारे लिए अच्छा सा टेडी बियर लेकर आएंगे। पापा ने कही सारी बातें रतन अपनी माँ शोभा को बताता है। तभी शोभा उसे उसके पसंद का चॉकलेट देती है और शांत कराती है। अब जब चिराग रतन से खेलने के लिए आता है तो रतन चिराग को सारी बात बता देता है और उसके साथ खेलने से मना कर देता है। तो चिराग घर उदास होकर लौटता है। तभी चिराग की दादी चिराग से, चिराग क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, अभी अभी तो तुम खेलने गए थे ना? तब चिराग राधा को सारी बात बता देता है कि कैसे विलास ने रतन को चिराग के साथ खेलने से मना कर दिया है। ये सुनकर राधा, बेटा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, तुम ऐसी बात पर ध्यान मत दिया करो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ लिख कर जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो तुम्हारे कई सारे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है दादी, मैं अभी से मन लगा कर पढ़ाई करूँगा। दूसरे दिन सुबह चिराग जब स्कूल में जाने लगता है
तब रतन अपने दोस्तों के साथ स्कूल के पास खड़ा होता है। तब रतन के दोस्त, अरे अरे ये देखो चिराग कैसे फटे कपड़े पहन के क्लास में जा रहा है। ये बात सुनकर चिराग को बहुत बुरा लगता है। वो उनकी बातों को अनसुनी कर वहाँ से चला जाता है। ये बातें सुनकर रतन को भी अच्छा नहीं लगता। वो उनसे कहता है, अरे क्या हुआ अगर चिराग के पास अच्छे कपड़े नहीं है तो? लेकिन वो हमसे पढ़ाई में सबसे आगे है, उसकी बुराई करना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ऐसा कहकर रतन वहाँ से चला जाता है। घर जाने पर दादी के कहने पर भी चिराग खेलने के लिए नहीं जाता, वो घर में ही रहता है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त चिराग को किसी की जानी पहचानी आवाज़ आती है, तो चिराग आवाज़ की तरफ जाता है और देखता है कि रतन गड्ढे में गिरा हुआ है। तभी रतन के दूसरे दोस्त वहाँ आ जाते हैं। सब रतन को देख रहे थे, तभी चिराग रतन से, अरे रतन तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए? ये गड्ढा तो बहुत गहरा है, अब तुम बाहर कैसे आओगे? आज मुझे लेने के लिए पापा नहीं आए थे तो मैं अकेला ही घर जा रहा था और मेरा पैर फिसलकर मैं इस गड्ढे में गिर गया। अब मुझे पता नहीं कि यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। अब रतन रोने लगता है। रतन को रोते देख रतन के बाकी दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। तभी चिराग उसे समझाते हुए, रतन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कुछ न कुछ करता हूँ। तब चिराग भागते भागते अपने घर जाकर घर से रस्सी लेकर आता है। रस्सी को गड्ढे में छोड़कर दूसरी रस्सी अपने पेट को बांध देता है ताकि उसके हाथ से रस्सी छूट न जाए, क्योंकि उसके आसपास कोई पेड़ या कोई चीज नहीं थी जिसे वो रस्सी बांध सके। अब वो धीरे धीरे उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है। रतन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल लूँगा, तुम बिल्कुल मत घबराना। उसी समय विकास वहाँ से जा रहा था। विकास को पता ही नहीं था कि उसका बेटा रतन ही इस गड्ढे में गिरा हुआ है। वो थोड़ी दूर से देख रहा था कि चिराग किस तरह किसी की जान बचा रहा है। चिराग जान की बाजी लगाकर रतन को बचाता है, बाहर निकालता है। चिराग ने रतन को बड़ी होशियारी से गड्ढे से बाहर निकाला। ऊपर आते ही रतन चिराग के गले लग जाता है और उसे थैंक्स कहने लगता है। रतन को ऊपर आते देख विकास भागते हुए वहाँ आ जाता है और विकास के साथ चिराग को भी अपने गले लगा लेता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे रतन से कई बातें याद आ जाती है, साथ ही रतन की भी बातें याद आती है कि चिराग मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और विकास चिराग से, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने रतन को तुम्हारे साथ खेलने से मना किया था, मैं बहुत गलत था। आज से तुम हमारे घर हर रोज खेलने आ सकते हो और हाँ कभी कभी मेरे साथ भी गप्पे किया करो। ऐसा कहकर वो दोनों को फिर से गले लगा लेता है। अंकल आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। विकास चिराग और रतन को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद सभी बीती बातें शोभा और राधा को बताता है। अब चिराग और रतन साथ में पढ़ाई करते हैं, साथ में खेलते हैं और स्कूल में भी साथ ही जाते हैं। अब विकास रतन के साथ साथ चिराग के लिए भी कभी कभार कपड़े खरीदने लगा, उसे अपने साथ पार्टीज में भी ले जाने लगा। अब सब अपने अपने घर खुशी खुशी रहते हैं। अब रतन और चिराग दोनों गहरे दोस्त हो जाते हैं।